आप सभी का स्वागत है बंगाली स्पाइस बॉक्स में। बंगालियों की सबसे फेवरेट फिश है हिल्सा। आज मैं बनाऊंगी हिल्सा की एक नायाब रेसिपी जो की है दूधलिश। दूधलिश बनाने के लिए लगेगा हिल्सा मछली, दूध, हल्दी पाउडर, कलौंजी, हरी मिर्च, नमक और सरसों का तेल। सबसे पहले हिल्सा मछली को शैलो फ्राई कर लूंगी। अगर आप चाहे मछलियों को फ्राई नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी का प्रिपरेशन मैं जैसा दिखा रही हूँ वैसा ही फॉलो कीजिएगा। जब तक कि तेल गर्म हो रहा है, मैं हिल्सा मछलियों को थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी से मिक्स कर लूंगी। मछली के पीसेस को शैलो फ्राई करके निकाल रही हूँ। इस खाने में थोड़ा ज्यादा तेल इस्तेमाल होगा। अब डाल रही हूँ कलौंजी, ढेर सारी हरी मिर्च, मैंने 8 हरी मिर्चियों को तोड़ कर डाला है। अब मैं डालूंगी 1 कटोरी दूध, 1/4 डालूंगी हल्दी पाउडर। नॉर्मल खाने में जितना हल्दी हम डालते हैं उससे बहुत ज्यादा डालूंगी ताकि दूध का ये सफेद रंग पूरी तरह से पीले रंग में बदल जाए। भरे हुए 2 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने डाल दिए। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। ½ चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा नमक। तली हुई मछलियों को अब मैं ग्रेवी में डाल रही हूँ। मैंने पहले ही बोला था इस खाने में बहुत ज्यादा सरसों का तेल इस्तेमाल होगा। मैंने इसमें 5 टेबल चम्मच सरसों का तेल डाला है। हिल्सा मछली बहुत जल्दी पक जाती है। तेल मसाले से अलग होने लगा है। अब मैंने गैस बंद कर दिया। ऊपर से और 2 हरी मिर्च डाल दिया मैंने। खाना कंप्लीट। तैयार है दूधलिश।